जम्मू के एक बस स्टैंड पर गुरुवार दोपहर जोरदार धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड अटैक में 28 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। दोपहर 12 बजे के करीब भीड़भाड़ वाले इलाके में बने बस स्टेशन में एक बस के पास धमाका किया गया। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू के आईजी मनीष सिन्हा ने बताया कि यह ग्रेनेड से किया गया हमला था। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार एक संदिग्ध हमलावर ने ग्रेनेड से हमला किया और मौके से फरार हो गया। आईजी का कहना है कि हमले का मकसद सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना था। उन्होंने कहा कि जांच शुरू हो गई है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये वीडियो अब समाप्त होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।